हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिस साइड लवी शाकेवार। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके लेकर आई हूँ पेडिग्री एनालिसिस कि पेडिग्री जो होती है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में भी देखने मिलते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें क्या रूल्स लगते हैं, वही सारी चीज़ मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ पेडिग्री के बारे में। कितने टाइप्स की होती पेडिग्री, तो आपका अगर आप पेडिग्री के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। और प्लीज अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आज अपना न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने अपने इस न्यू वीडियो में आपको बिल्कुल अलग टॉपिक इस वीडियो में कवर किया है, जो कि हमारा है पेडिग्री एनालिसिस। ओके, पेडिग्री क्या होती है और पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। पेडिग्री मतलब मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी पेडिग्री क्या होती है, पूरी इंफॉर्मेशन आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और पेडिग्री मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि पेडिग्री से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि बहुत ट्रिकी होते हैं, एज अ रीजनिंग आते हैं हमारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, जैसे कि आपको नीट में देखने को मिल जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको नेट के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, गेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके, तो मैंने इस टॉपिक पे आज न्यू वीडियो अपना बनाया है, ठीक है। तो हम पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेडिग्री होती क्या है। पेडिग्री कुछ नहीं है, एक तरीके का चार्ट होता है जिसमें हम पूरी मतलब जनरेशन टू जनरेशन मतलब क्या कैसी डिसीज ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से टू देयर ऑफस्प्रिंग और उनके चाइल्ड में, यही चीज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम अपने प्लांट्स में मेंडल्स ने बताया था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 11th 12th क्लास में, कि जो मेंडल्स ने एक्सपेक्ट हो करे थे सारे लॉज जो दिए थे, तो उसमें हम उन्होंने एक टॉल प्लांट ले लिया, एक ड्राफ्ट प्लांट ले लिया, उनका क्रॉस किया, तो इजीली वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि लंबे को, टॉल को, छोटे प्लांट के संग हमने क्रॉस किया और उसमें जो उसकी F1 जनरेशन जो आई तो उसमें हमने देख लिया, उनको देखकर हम बता सकते हैं। ऐसा क्या हम अपने ह्यूमन बींग्स में कर सकते हैं? नहीं, ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं कर सकते। इसीलिए हम ह्यूमन बींग्स में कैसे, इसमें जनरली हम क्या पढ़ते हैं, डिसीज कैसे ट्रांसफर हो रही है वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन तक, और सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इसमें चार जनरेशन बेसिकली हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिसीज कैसे ट्रांसफर हो रही है तो यही हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, कि उनके पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में कैसे डिसीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो पेडिग्री, पेडिग्री क्या है? पेडिग्री को हम जनरली एक फैमिली ट्री भी बोलते हैं। ओके, जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं ना, छोटे बच्चे बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में फैमिली ट्री, जैसे कि अपने ग्रैंड ग्रैंड मदर फादर से, फिर उनसे उनकी उनसे आगे वाली जनरेशन को, फिर उसकी आगे वाली जनरेशन को बनाते हैं ना, वैसे ही ये पेडिग्री में भी होता है। तो ये क्या है, फैमिली ट्री भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली ट्री में उनको हम शो करते हैं, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और फैमिली ट्री क्या है, जो है उसको हम एक चार्ट के फॉर्म में शो करते हैं। जैसे कि देखिए, ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ ड्रॉ किया है। जैसे ये जनरेशन, ये जो रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये सारी जनरेशंस होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो जैसे कि आप ये सर्कल देख रहे हैं, तो सर्कल क्या है, सर्कल बेसिकली डिनोट करता है फीमेल को, ठीक है। सर्कल फीमेल को डिनोट करता है, और ये जो मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में जो आपको दिख रहा है वैसे स्क्वायर होता है, ठीक है, वो क्या डिनोट करता है, वो मेल को डिनोट करता है। तो और ये जो लाइन जा रही है इनमें, ये हॉरिजॉन्टल, वो क्या होता है, मीटिंग, मतलब कि फीमेल की मेल के साथ
मीटिंग हो गई है, शादी हो गई है, ठीक है, फिर क्या है, ये जो जा रही है आपकी लाइन, फिर इधर से आती है आपकी जनरेशन नेक्स्ट, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या है, इन दोनों पेरेंट्स के कितने बच्चे हुए हैं, दो बच्चे हुए हैं, जो दोनों की दोनों डॉटर है, सर्कल मतलब दोनों डॉटर है, ठीक है, दोनों डॉटर है। फिर क्या है, इस वाली डॉटर की शादी हो गई एक मेल के साथ, ठीक है, इसकी शादी हो गई मेल से, लेकिन ये जनरेशन कौन सी चल रही है, सेकेंड जनरेशन ही चल रही है, ठीक है। फिर क्या होगी, इनकी शादी होगी, मीटिंग हो गई, फिर क्या है, इनके ये दो बच्चे हुए, एक फीमेल हुई, डॉटर हुआ हुई और एक सन हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, सन की शादी हो गई फिर से फीमेल के साथ, फिर उनको एक बच्चा हुआ जो मेल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये आपकी सेकंड जनरेशन हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये लास्ट सिर्फ एक जो आया है वो आपकी फोर्थ जनरेशन हो गई। ये मैंने बेसिकली आपको एक चार्ट समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ, इसमें कुछ सिंबल्स भी होते हैं और कुछ इसमें लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो आगे मैं आपको बताती हूँ। चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको, जैसे मैंने आपको अभी आगे जो पेडिग्री में शो किया था सर्कल्स, ठीक है, तो इस तरीके के मैंने आपको सर्कल्स शो किए थे पेडिग्री में। तो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, जितने भी सर्कल्स आपको पेडिग्री में दिखाई देंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, सर्कल फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पेडिग्री में। और स्क्वायर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर जैसे कि देखिए, ये स्क्वायर्स है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये रिप्रेजेंट करेंगे सारे मेल को इन पेडिग्री। और जितनी भी जितने भी इंडिविजुअल्स जो हमारे पेडिग्री में बनते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल किसको बोलेंगे, जैसे कि ये अकेला एक इंडिविजुअल है, ये एक अकेला इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, तो जितने भी इंडिविजुअल जो आते हैं हमारी पेडिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं जनरेशन को, तो उनको हम रोमन नंबर में लिखते हैं। जितने भी इंडिविजुअल अगर जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन को, तो उनको हम लिख रहे हैं रोमन नंबर में। देखिए मैंने आपको यहाँ रोमन नंबर में लिखी है हर जनरेशन, ओके, तो हर जनरेशन को हम रोमन नंबर में लिखते हैं। और जो डिजिट होती है, ठीक है, वो शो करती है हर इंडिविजुअल्स को, जितने भी जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स आ रहे हैं उसमें अगर 1 2 3 करके डिजिट लिखी हुई है, जैसे देखिए 1 2 ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, फिर सेकंड जनरेशन 1 2 3 4 ये सेकंड जनरेशन हो गई, थर्ड जनरेशन में देखिए यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, ये थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, इस तरीके से, ठीक है। तो डिजिट रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल को हर जनरेशन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है मीटिंग, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलेंगे, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो मेल और फीमेल की मीटिंग को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि मेल और फीमेल की हो गई है शादी, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है वो कनेक्ट करती है पेरेंट्स को टू देयर चिल्ड्रंस, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, ये पेरेंट्स हो गए पहली जनरेशन के, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करी, फिर वर्टिकल लाइन आई, फिर उनके ये तीन बच्चे हुए हैं, दो मेल हुए हैं, एक सॉरी दो सन हुए हैं और एक डॉटर हुई है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करने वाली लाइन होती है पेरेंट्स को टू देयर चिल्ड्रंस, ओके। आगे मैं आपको इसके सिंबल्स बताती हूँ, हर किसी के क्या सिंबल्स किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब मैं आपको कुछ सिंबल्स बता रही हूँ जो पेडिग्री में यूज होते हैं, तो आप इन सिंबल्स को अच्छे से देखिएगा कि पेडिग्री में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है। इसी अगर ये सिंबल्स आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, पहचान लेंगे, तभी आप पेडिग्री जो आएगी आपको वो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सिंबल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट सिंबल मैं आपको आगे भी बता चुकी हूँ, ये दोबारा सुन लीजिए। देखिए स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मेल को, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल, ठीक है। और फिर सेकेंड सिंबल आपका ये सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, ठीक है। अगर आपको ऐसा शेप दिखाई दे डायमंड टाइप का, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सेक्स अनस्पेसिफाइड,
स्पेसिफाइड, मतलब कि सेक्स हमको नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर इस तरीके का आपको सिंबल दिखे तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, और अगर आपको ऐसा सिंबल देखने को मिले ये और अंदर ये लिखा हुआ है 5, अगर इस तरीके से आपको देखने मिले है पेडिग्री में, तो 5 का मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब कि आपकी पेडिग्री में 5 जो ऑफस्प्रिंग है वो अनअफेक्टेड है, उनके ऊपर कोई डिसीज नहीं आई है। और अगर आपको ऐसा सिंबल देखने को मिले, सर्कल देखने मिले और उसके अंदर ऐसा डॉट देखने को मिले, तो मतलब सर्कल का तो मतलब हमें पता ही है, सर्कल मीन्स फीमेल, और अगर ऐसा डॉट देखने मिले तो कैरियर फीमेल, मतलब कि डिसीज जो लेकर आ रही है वो फीमेल लेकर आ रही है, फीमेल कैरियर है उस डिसीज की, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिले, मतलब कि आपको स्क्वायर में भी इस तरीके से फील्ड मिले और सर्कल भी ऐसा फील्ड अगर आपको देखने को मिले, तो मतलब फील्ड का मतलब है अफेक्टेड, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूरा भी फील्ड मिल सकता है और आपको ऐसे 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 लाइंस भी मिल सकती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये इसका मतलब है कि ना जो भी मेल है और फीमेल है वो किसी डिसीज से अफेक्टेड है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा मिले, सिर्फ खाली मिले मेल और फीमेल, तो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब कि उनके ऊपर कोई डिसीज नहीं आई है। और मेल और फीमेल के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में आपको ऐसे लाइन देखने को मिले, तो मतलब मैटिंग हो गई है उनकी, उनकी शादी हो गई है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा देखने को मिले पेडिग्री में कि एक मेल और फीमेल में ऐसे लाइन देखने को मिले, कट वाली लाइन, तो मतलब कि उनकी डेथ हो गई है, डेथ, ठीक है। और अगर इस तरीके से आपको डबल लाइन में देखने को मिले, जैसे मेटिंग में ऊपर हमें सिंगल लाइन देखने को मिल रही थी, ठीक है, ऐसे ही आपको डबल लाइन देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि जो मीटिंग हो रही है, जो शादी हो रही है, वो रिलेटिव्स में ही हो रही है, जैसे कि रिलेटिव्स में हो गई चाचा के लड़के की मौसा जी के लड़के के साथ, ऐसे रिलेटिव्स में हो जाना शादी, ठीक है, तो डबल लाइन होती है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा मतलब देखने को मिले, मतलब ये मेल और फीमेल है, दोनों की मैटिंग हो गई, शादी हो गई और उनके ऑफस्प्रिंग आए, एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ, सर्कल मतलब डॉटर और स्क्वायर मतलब मेल मतलब सन, ठीक है, तो क्या होगा, ये अब ये ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे वाले जो आती है जनरेशन नेक्स्ट, वो उनके ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज है। तो ये सारे सिंबल्स आपको पेडिग्री में देखने मिलेंगे, इन सिंबल्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा, तभी आप पेडिग्री को सॉल्व कर पाएंगे आगे, ठीक है। तो अब मैं आगे चलती, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ टाइप ऑफ पेडिग्रीज, तो पेडिग्री कितने टाइप की होती हैं, हम किसके बेसिस पे पेडिग्री को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो पेडिग्री के ना जो पैटर्न्स होते हैं, बेसिकली ना 4 टाइप्स में हम देखते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो क्या है, एक तो होता है ये क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग, मतलब पेडिग्री को देखा जाता है, आपको पता ही होगा, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको पता ही है, जिसमें से 22 जो क्रोमोसोम्स हैं वो होते हैं ऑटोसोम पर, ठीक है। सिर्फ एक क्रोमोसोम जो बचता है, एक क्रोमोसोम, वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, ओके, जो अपन एक होता है, 23rd क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें जो दो होते हैं, मतलब कि जो आपका क्रोमोसोम के पेयर ऑटोसोम्स पर होंगे, मतलब कि मतलब हम पेडिग्री में डिसीज कई देखते हैं, ट्रेड्स देखते हैं सारे डिसीज के, तो ट्वीट होंगे वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो सिर्फ वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो सेक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। तो ये होते हैं ऑटोसोम्स और सेक्स लिंक्ड एक, तो ऑटोसोम्स भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम्स में हम कैसे दे सकते हैं, ऑटोसोम देखेंगे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और डोमिनेंट और रिसेसिव जैसे कि आप हमने हमें ले लेते हैं, जैसे कि ए ए है ये, फिर ठीक है, तो इसमें देखिए डोमिनेंसी कैसे दिखाई देगी हमें, डोमिनेंसी मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये डोमिनेंट कैरेक्टर
शो कर रहे हैं इधर कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो स्मॉल ए को ये ना ये कैपिटल ए बिल्कुल क्या कर ले रहा है, बिल्कुल सप्रेस कर ले रहा है, मतलब बिल्कुल दबा ले रहा है। तो इसमें किसकी कैरेक्टर हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, डोमिनेंट की, ठीक है। और ये क्या है, दोनों स्मॉल ए स्मॉल है, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। तो डोमिनेंट, तो इसमें कितने टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, ओके। इसी तरीके से ये हमारा सेक्स लिंक जो होते हैं वो भी दो टाइप में होते हैं, एक्स 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 एक्स, आपको पता है फीमेल्स फीमेल होता है, फीमेल का एक्स है, फीमेल पे कैसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, एक्स एक्स, ठीक है। और मेल पे एक्स वाई, ठीक है, इनके पास सेम नहीं होता, वाई मतलब इनके पास होता है मेल्स पे, ठीक है। तो क्या होता है, जो इसमें से हम ना फीमेल्स के में ही डोमिनेंट और रिसेसिव देखते हैं, ठीक है, और वाई लिंक्ड भी होता है जो हम अपनी पेडिग्री में देखेंगे। तो ये आपको पूरा एक टाइप बता दिए, पेडिग्री किस किस कितने टाइप्स की कैसे कितने टाइप की होती है, किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो मैंने आपको ऑटोसोम और सेक्स लिंक बताई, जो ऑटोसोम्स में होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, मतलब कि हमारी जो ऑटोसोम्स पे डिजीज प्रेजेंट होगी, और जो अपना एक बचता है वो होता है सेक्स लिंक क्रोमोसोम, ठीक है। उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। इसी तरीके से सेक्स लिंक पे भी सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। इस तरीके से हम आगे देखेंगे, आगे चलते हैं, मैं आपको इस सारे टाइप एक एक करके बताती हूँ और किस तरीके से हम पेडिग्री को आइडेंटिफाई कर पाते हो, और सबके मैं आपको एक एक एग्जांपल्स भी बताऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाए पेडिग्री। अब जैसे कि मैं आपको अपना पहले आपको फ्लो चार्ट में दिखाया मैंने कैसी कैसी मतलब कितने टाइप्स की पेडिग्री होती है, कैसे कैसे होती है अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोमल और रिसेसिव, सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट और फिर एक्स लिंक्ड भी बताई मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ पेडिग्रीज मैं आपको बता रही हूँ कितने टाइप्स की होती है, उन्हीं को अलग 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 करके अलग अलग मतलब उन्हें डिस्कस करती हूँ। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, एक्स लिंक डोमिनेंट होती है, एक्स लिंक रिसेसिव होती है, और वाई लिंक ट्राइड होती है जो मेल पे प्रेजेंट होता है, वाई लिंक, ये हमको पता ही है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताई हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसी होती है, तो डोमिनेंट का सबसे बेसिक मतलब आप समझ लीजिए, डोमिनेंट में क्या होता है, चाहे वो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट हो या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट हो, डोमिनेंट आपको दोनों में से देखना है, तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि डोमिनेंट में ना जनरेशन स्किप नहीं होती है, मतलब कि डिसीज अगर जनरेशन वन में है तो वो डिसीज जनरेशन टू में भी आएगी, वो डिसीज जनरेशन थ्री में भी आएगी, वो डिसीज जनरेशन फोर में भी आएगी, ठीक है। तो हम इस चीज से हम पता कर सकते हैं कि अगर जनरेशन स्किप नहीं है तो भैया ये तो डोमिनेंट होगी, तो फिर हम देख सकते हैं, फिर हमें लगे या तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है या नहीं तो एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है। तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे पता करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये पॉइंट बता ही दिया, डू नॉट स्किप जनरेशन, डोमिनेंट में क्या है स्किप जनरेशन स्किप नहीं होती है। फिर क्या है, अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस, और क्या होता है कभी कभी जो जो अफेक्टेड पेरेंट्स है मतलब जिसे डिसीज है उनके बच्चे जो उनके आगे होगी जनरेशन उनके उनके पास डिसीज नहीं आ सकती नहीं होगी, मे नॉट, लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक पेडिग्री चार्ट शो किया है, इसमें मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगी, दोनों पॉइंट्स, जैसे कि डू नॉट स्किप जनरेशन, ठीक है। तो देखो इसमें आप देख सकते हैं जनरेशन स्किप हो रही है क्या, डिसीज एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जा रही है, तो देखिए इधर फीमेल है और मेल, तो फीमेल कैरियर है डिसीज की, फीमेल के पास डिसीज है, फिर उसके कितने बच्चे हुए, उसके बच्चे हुए सेकेंड जनरेशन में वन, एक डॉटर हुई, सन हुआ और फिर डॉटर हुई, और एक नहीं सॉरी सन हुआ फिर एक डॉटर हुई, ठीक है। तो उसके चार बच्चे हुए, फिर इधर क्या हुआ, इधर इस मतलब उसके लिए एक बेटा और एक बेटी अफेक्टेड थे, मतलब कि इस जनरेशन से इस जनरेशन में डिसीज ट्रांसफर हुई है, स्किप नहीं हुई है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ इस बेटे की शादी मतलब एक फीमेल से करा दी गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है,
इस नेक्स्ट जनरेशन जो उसके तीन बच्चे हुए हैं, देखो दो बेटी और एक बेटा हुआ है, लेकिन इधर वाली जनरेशन में नहीं आई। तो आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पर तो जनरेशन स्किप हो गई, यहाँ तो जनरेशन स्किप हो गई, मतलब कि यहाँ डिसीज नहीं आई है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप आगे चलिए, आगे देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इन्हीं पेरेंट्स की थी जिसे आई थी मतलब डिसीज, फिर इसकी हेल्दी लड़की से शादी हो गई, तो क्या है यहाँ से डिसीज इस वाली जनरेशन में आ गई है, तो जनरेशन स्किप नहीं हुई है। इधर वाली जनरेशन से इस वाली जनरेशन पे गई है और इस वाली जनरेशन से इस वाली जनरेशन पे गई है, तो आपकी जनरेशन स्किप नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस। अफेक्टेड पेरेंट जिनको डिसीज है उनके बच्चे के पास में भी डिसीज नहीं जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दोनों का बता दिया है। मतलब देखो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, फीमेल अफेक्टेड थी, तो क्या है इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें से एक लड़का और एक लड़की अफेक्टेड थी, ठीक है, लेकिन ये लड़का अफेक्टेड नहीं था और इसने नॉर्मल एक लड़की से शादी करी, ठीक है, लेकिन उसकी फिर जनरेशन नेक्स्ट आगे बढ़ी तो तीनों बच्चे अनअफेक्टेड है। तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर है, अफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है, मे हैव, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स बता दिए। डोमिनेंट्स आपको पता करना है, तो मतलब डोमिनेंट अगर आ रहा है तो मतलब जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जनरेशन में डिसीज ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एक बता दिया, एक टाइप ऑटोसोमल डोमिनेंट का। आगे चलते मैं आपको ऑटोसोमल रिसेसिव बताती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताती हूँ जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था डोमिनेंट में क्या होता है, जनरेशन स्किप नहीं होती है, ठीक है, इसी का उल्टा होता है रिसेसिव में। रिसेसिव में क्या होता है, स्किप द जनरेशन, जनरेशन स्किप होती है, मतलब कि डिसीज जो ट्रांसफर हो रही है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या तो दिखाई नहीं देगी हमें, फिर हमारे थर्ड जनरेशन में देखने को शायद मिल सकती है, ठीक है। तो ये जनरेशन को स्किप करता है, तो रिसेसिव की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जनरेशन स्किप करता है। दूसरी बात है ये ना दोनों को अफेक्ट करता है, मेल को भी और फीमेल को भी, मतलब किसी भी जनरेशन में होगा तो मेल भी अफेक्टेड हो सकता है, या तो कैरियर हो सकता है डिसीज का, या फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के पास अफेक्टेड चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखो अनअफेक्टेड पेरेंट्स है ये दोनों, तो उनके तीन बच्चे हुए जिसमें से अफेक्टेड जो था सन हो गया, ठीक है। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अफेक्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है, ऐसे ही। तो मैं आपको पहला पॉइंट इसमें पेडिग्री में शो करती हूँ, ये मैंने आपको रिसेसिव ट्रेट की एक पेडिग्री यहाँ पर दिखाई है। तो जनरेशन स्किप हो रही है, जैसे कि देखो फीमेल और मेल में से यहाँ पे मेल कैरियर था, मेल को डिसीज थी, तो इनके कितने बच्चे हुए, यहाँ पर इनको हुए एक दो तीन चार बच्चे हुए, जिसमें से दो सन है दो डॉटर है। इस जनरेशन में इस जनरेशन से इस जनरेशन में तो आ रही है डिसीज, लेकिन जब इधर नॉर्मल डॉटर जब नॉर्मल किसी लड़के से शादी कर रही है तो क्या है यहाँ पर तो डिसीज नहीं है ना, तो स्किप हो गई ना जनरेशन। देखो इधर से इधर थी डिसीज लेकिन यहाँ नहीं है डिसीज, तो यहाँ पर जनरेशन क्या है स्किप हो गई। फिर यहाँ स्किप हो गए मतलब कि नॉर्मल थे ये दोनों, फिर क्या है ये डिसीज इनकी थर्ड जनरेशन में बेटे को देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ स्किप हो रही है जनरेशन, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप सोचो कि यहाँ पर भी डिसीज है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये तो डोमिनेंट ट्रेड में आना चाहिए। नहीं, यहाँ जो इनके इसके इन वाले पेरेंट्स के चार बच्चे थे तो उनमें से ये तो नॉर्मल थे ना, तो यहाँ तो स्किप हो गई ना इसीलिए, ठीक है, इसीलिए दे स्किप द जनरेशन। दूसरा, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ मेल से मेल में जा रही है, फिर यहाँ से भी मेल में ही आ रही है, तो और यहाँ फीमेल में भी, तो ये ना मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है डिसीज, ठीक है। और अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्ट देयर चिल्ड्रन, तो मैंने आपको ये वाला बताया था अनअफेक्टेड पेरेंट्स है तो वो अपने जो आगे जो जनरेशन आएगी उसमें उनके बच्चे या बेटा या बेटी में से किसी में भी ये डिसीज देखने को मिल सकती है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव की
कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए, तो आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी पेडिग्री को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे जो है हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट। अभी हमने सारे ऑटोसोमल देखे थे, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हम देखते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट। डोमिनेंट का देखेंगे एक्स लिंक। एक्स लिंक मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम जो हमारा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डोमिनेंट मतलब कि जो जनरेशन स्किप नहीं करता है, सेम एज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट की तरह। ठीक है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही थी, ऐसी ही इधर भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। लेकिन डिफरेंस क्या है ऑटोसोमल और एक्स लिंक डोमिनेंट में, तो डिफरेंस हम आगे देखते हैं। ठीक है, इधर जनरेशन स्किप नहीं होगी और क्या होगा, अफेक्टेड फादर हैव अफेक्टेड डॉटर। एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल में यही डिफरेंस है। ये हम इसको ऐसे पहचानेंगे कि अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी डॉटर अफेक्टेड होगी। ठीक है, अगर फादर अफेक्टेड है मतलब कि इस तरीके से फादर अफेक्टेड है तो उसकी अगर नीचे आएगी तो डॉटर अफेक्टेड होगी। ठीक है, इस तरीके से। और सेम अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके उसका सन अफेक्टेड होगा। तो यही डिफरेंस है ऑटोसोमल और रिसेसिव, वो ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड में। ठीक है, ठीक है। और डोमिनेंस का मतलब कि वो स्किप नहीं कर रहा है जनरेशन। ठीक है, तो अगर फादर से सन सॉरी फादर से डॉटर में आ रही है तो एक्स लिंक, या मदर से सन में आ रही है तो एक्स लिंक। ठीक है, और जनरेशन स्किप नहीं कर रही है तो डोमिनेंट। इसी तरीके से हम पहचान सकते हैं अपनी पेडिग्री को, एक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखी है, अफेक्टेड फादर हैव अफेक्टेड डॉटर और अफेक्टेड मदर हैव अफेक्टेड सन। ठीक है, फादर से अगर डिसीज डॉटर में जा रही है और मदर से सन में जा रही है। तो ये मैंने आपको यहाँ पेडिग्री चार्ट दिखाया है। देखो अफेक्टेड फादर है, नॉर्मल मॉम है। ठीक है, अगर उसके कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4 5 पांच बच्चे हुए हैं, जिसमें से क्या जिसमें से फादर से कहाँ आ गई डिसीज, कौन कैरियर है, दोनों उसकी बेटियां। देखो फादर से उसकी डॉटर। ठीक है, अगर फादर में है तो उसकी दोनों बेटियों में आ गई डिसीज। जिसने फिर क्या हुआ सेकंड जनरेशन में, क्या हुआ कि फादर ने अपनी बेटी की जो यंग बेटी थी उसकी शादी कर दी नॉर्मल एक लड़के के साथ। ठीक है, क्या हुआ फिर आगे, क्या हुआ थर्ड जनरेशन में, इधर कौन कैरियर थी, मॉम। इधर कौन कैरियर थी, मम्मी। ठीक है, तो मदर से कहाँ चलेगी डिसीज, उसके दोनों बेटों में। मतलब कि इधर होता है क्रिस क्रॉस पैटर्न। ठीक है, क्रिस क्रॉस चलता है, पापा से बेटी और मम्मी से बेटे में जाएगी डिसीज। ठीक है, और डोमिनेंस कैसे देखेंगे, जनरेशन स्किप नहीं कर रही है। देखो इधर जनरेशन में है, इधर जनरेशन में आई, फिर जनरेशन से डिसीज इधर आ गई, इसीलिए ये डोमिनेंट है। तो हमारा डिफरेंस यही हम देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट में और ऑटोजो एक्स लिंक डोमिनेंट में। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, अब हम रिसेसिव ट्रेट देखते हैं। तो रिसेसिव जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने, ऑटोसोमल रिसेसिव वो क्या करता है, वो जनरेशन स्किप करता है। तो इसमें भी जनरेशन स्किप होगी। देखो ये लिखा हुआ है, दे स्किप द जनरेशन। ठीक है, मतलब कि डिसीज अगर पहली जनरेशन में है तो दूसरी जनरेशन में हमें देखने को नहीं मिल ही सकती, तो थर्ड जनरेशन में मे बी वो ट्रांसफर हो सकती है डिसीज, तो स्किप कर रहा है जनरेशन को। ठीक है, जैसे ऑटोसोमल ऑटोसोम में थी। तो ठीक है, तो रिसेसिव का ये हो गया। और क्या होता है इसमें कि ना, हियर मेल्स आर मोर अफेक्टेड। इस वाली ट्रेड में क्या होता है, इस वाली पेडिग्री में क्या होता है, जो मेल्स होते हैं ना वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो ज्यादा कैरियर होते हैं डिसीज के। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे कि आगे हमने पढ़ा था डिसीज जो ट्रांसफर हो रही थी ना एक्स लिंक में, क्या होता है मदर से सन में होती है, फादर से डॉटर में होती है ना डिसीज ट्रांसफर, मतलब जिगजैग पैटर्न बनता है, इसीलिए तो उसको एक्स लिंक्ड बोला है, क्योंकि एक्स बनता है। देखो मदर से सन में हो रही है, डॉटर से सॉरी फादर से डॉटर में हो रही है, इसी एक्स टाइप का बन रहा है, इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड बोला जाता है। और जनरेशन स्किप कर रहा है तो
एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट बोल दिया इसको, ठीक है। जो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखते हुए पेडिग्री को पहचानिएगा। ये मैंने आपको एक चार्ट दिया है, देखो क्या है, इधर फीमेल अफेक्टेड है, मेल नहीं अफेक्टेड है, ठीक है। और हमें देखना है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो पहली जनरेशन थी उनको हुए 4 बच्चे, 1 2 3 4, जिसमें से फीमेल ने किसको किसको डिसीज ट्रांसफर की, अपने सन को। देखो मदर से सन में जा रही है डिसीज, ठीक है, मदर से सन में आ गई दोनों में डिसीज, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने फिर अपने ये नॉर्मल जो बेटी थी उसकी शादी कर दी नॉर्मल सन सन से, नॉर्मल की नॉर्मल से शादी हुई है। लेकिन उनकी जो आगे बच्चे हुए, थर्ड जनरेशन बनी, तो उधर डिसीज ट्रांसफर हो गई किसको, लड़के को, ठीक है। तो यहाँ स्किप हो रही थी जनरेशन, लेकिन यहाँ आ गई, तो यहाँ स्किप हो रही है जनरेशन, देखिए, इसीलिए ये रिसेसिव ट्रेट कहा, ठीक है। और यहाँ क्या है, दोनों कैरियर थे डिसीज के, मेल और फीमेल, तो उनके सारे बच्चे अफेक्टेड हो गए, डिसीज सारे बच्चों को हो गई। लेकिन यहाँ देखो ये चीज भी देखने मिल रही है हमें, मेल टू फीमेल ट्रांसफर हो रहा है या फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो रही है, तो क्या है, एक्स लिंक्ड हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ जनरेशन स्किप हो गई है, रिसेसिव हो गया है, ठीक है। तो और यहाँ याला पॉइंट भी अच्छे से बताया गया है कि मेल आर मोर अफेक्टेड, देख लो आप, मेल ज्यादा अफेक्टेड है, देख लो 1 2 3 4 5, कितने मेल्स अफेक्टेड है, 5, और फीमेल कितनी अफेक्टेड है यहाँ इस चार्ट में, 1 2 और 3, सिर्फ 3 फीमेल्स अफेक्टेड हैं। तो इस चीज से भी आप पता कर सकते हो, पहचान सकते हो अपने पेडिग्री को, ठीक है। चलो मैं आपको लास्ट इसका टाइप बताती हूँ, ओके ओके। अब मैं आपको ये लास्ट टाइप है जो है वाई लिंक ट्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ मेल्स ही अफेक्टेड होते हैं, मतलब कि जो डिसीज होती है, डिसीज ट्रांसफर होती है, सिर्फ मेल्स पे ही ट्रांसफर होगी, ठीक है। जैसे कि ये देखो आप इधर चार्ट में भी देखो कितने मेल्स अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, मेल दोनों और मेल सारे अफेक्टेड कौन है, मेल्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो डिसीज ट्रांसफर होती है वो फादर से सन में ही ट्रांसफर होगी, मतलब कि पापा से बेटे में ही ट्रांसफर होगी डिसीज। तो वो कैसा ट्रेट कहलाएगा, वो कहलाएगा वाई लिंक ट्रेट, ठीक है। यही था पूरा, आप ये पेडिग्री देख सकते हो, ये नॉर्मल पापा मम्मी है, मतलब पेरेंट्स हैं उनके, ये कितने बच्चे हुए, ये बच्चे हुए मतलब लड़का लड़की और ये लड़की और ये लड़का, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सारे लड़के अफेक्टेड है। फिर आगे जनरेशन में क्या है, दोनों लड़के यहाँ पर भी अफेक्टेड हो गए, और इधर भी मतलब फादर से कहाँ जा रही है डिसीज, देखो फादर से सन में जा रही है, फादर से दोनों सन में जा रही है, ठीक है। तो ये वाई लिंक ट्रेड हो गया। यही था पूरे, कितने टाइप के, 5 टाइप के पेडिग्रीज जो पूछी जाती हैं हमें जनरली पेपर्स में और कंपटीशन पेपर में। तो आपको पेडिग्री देखना आनी चाहिए कि पेडिग्री को हम कैसे देखते हैं। अगर मैंने जो आपको ये सारी जो पढ़ाई है, चारों पांचों पेडिग्री, उनको अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया और उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस आपने लगा लिए, तो आप पेडिग्री इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। मैं आपको इसके कुछ थोड़े से रूल्स और बता देती हूँ कि पेडिग्री को कैसे समझी जाती है, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ रूल्स आपको बताती हूँ कि पेडिग्री आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, अगर आप वो रूल्स को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इजीली पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि ना, मेल से अगर मेल में ट्रांसफर हो रही है डिसीज, अगर किसी मेल से मेल में ट्रांसफर हो रही है या फादर से सन में ट्रांसफर हो रही है, तो वो डिसीज कैसी कहलाएगी, वो ट्रेट कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा वाई लिंक ट्रेट। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखो मेल से मेल में ट्रांसफर हो रही है, फिर मेल में ट्रांसफर हो रही है ना, ये सारे स्क्वायर्स क्या है, मेल ही है ना, तो मेल से मेल में ट्रांसफर हो रही है, तो वो कैसी डिसीज कहलाएगी आपकी, वाई लिंक्ड। रूल टू आपका कहता है, जब स्किप हो रही, जब जनरेशन डू नॉट स्किप, जब जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, मतलब डिसीज सभी जनरेशन में अपीयर हो रही है। जैसे कि देखिए यहाँ फीमेल को डिसीज है, आगे जनरेशन में इधर आ गई है डिसीज, फिर यहाँ पर भी डिसीज थर्ड जनरेशन में भी देखने को मिल रही है, तो जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, तो ये आपका डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा कि ये हमारी डिसीज कैसी है, डोमिनेंट, ठीक है।
फिर आपका रूल थ्री क्या बोल रहा है? रूल थ्री बोल रहा है स्किप द जनरेशन. अगर आपकी जनरेशन स्किप हो रही है, वह फर्स्ट जनरेशन में डिसीज है तो सेकंड में देखने नहीं मिली है, फिर हमें थर्ड में देखने मिली है, फिर फोर्थ में देखने नहीं मिली है, ऐसे ठीक है. तो वो आपका कहलाएगा रिसेसिव ट्रेट. कैसा कहलाएगा आपका वो? रिसेसिव ट्रेट. जैसे कि आप देखिए यहाँ फर्स्ट जनरेशन में डिसीज है फादर को, सेकेंड जनरेशन में जब उसके बच्चे हुए, चार बच्चे हैं देखो उसके, ठीक है. तो इस जनरेशन में क्या है, इस नॉर्मल लड़की की नॉर्मल से शादी हो गई, लड़के की सॉरी लड़की की शादी हो गई, फिर इस जनरेशन में देखने नहीं मिली है, लेकिन इधर मतलब जनरेशन स्किप हो गई है तो रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन यहां पर देखने मिल गई है हमें डिसीज, यहां देखने मिल गई, मतलब कि ये कैसा ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है. तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं. अब ये लास्ट रूल जो क्या क्या कह रहा है, मतलब कि हम कैसे पता कर रहे हैं अब ये हमारा ट्रेड क्या है, ये हमारी पेडिग्री एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है. तो एक्स लिंक्ड में क्या होता है, एक्स लिंक्ड में क्या होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिलता है, जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, क्रिस क्रॉस मतलब कि फादर से डॉटर में जाएगी डिसीज और मदर से सन में जाएगी, क्रिस क्रॉस, ये ऐसे क्रॉस क्रॉस पैटर्न. ये इसकी मैंने आपको ये पेडिग्री शो की है, जैसे कि फादर में डिसीज है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में बेटी में आ गई, फिर आगे जनरेशन में फिर अगर लड़की मतलब मदर में है तो फिर सन में आ जाएगी, फिर अगर सन में है तो उधर आगे उसकी बेटी में आ जाएगी, मतलब क्रिस क्रॉस पैटर्न शो देखने को मिलेगा. तो वो कैसा है, वो है एक्स लिंक्ड. ओके, तो यही था सारी पेडिग्री की इंफॉर्मेशन जो मैं आपको इसमें देना चाहती थी. यदि आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है और मेरा वीडियो आज पूरा समझ में आया है आपको पेडिग्री एनालिसिस पे, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले, ठीक है. और इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए आगे और लाती रहूंगी. तब तक के लिए चलिए, बाय बाय.